आपको पता है आज क्या है, क्या हो सकता है? ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ओ मुबारक ईद मुबारक। अभी शाम का टाइम है, सुबह का टाइम मैं थोड़ा मसरूफ था और नहीं हम ईद को एंजॉय किया, और गर्मी भी बहुत है भाई। अब इस टाइम मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, शाम का टाइम थोड़ा धूप कम हुई है। मैं कहता हूँ ईद मुबारक सबको, सबको, पूरे अहले इस्लाम सबको, पूरी दुनिया को, जहाँ पर मुसलमान बैठे हैं देख रहे हैं सबको दिल से ईद मुबारक। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब ईद मुबारक आपको, बहुत ईद मुबारक सबको कह दें, ईद मुबारक मेरी तरफ सबको कह दें। जी जी, ईद मुबारक कह दें, ईद मुबारक। बस यही कहना। अच्छा तो हम आ गए हैं और हम अभी आए हैं अपने दोस्तों के पास, और अभी हम बस आ गए हैं और अभी मेरे दोस्त भी आ गए हैं। ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और ये दोस्त ही हैं मेरे। हाँ भैया, बहुत मच्छर लड़ रहे हैं मुझे फिलहाल, और ईद है आज, और ईद का इतना खास नहीं गया, हम सोते रहे थे, मेरे दोस्त भी सोते रहे थे। मैं दोस्त के पास आया हूँ, रात के 9 बज चुके हैं, दोस्तों से आपको मिलवाएंगे, फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे, कल इंशाल्लाह मिलेंगे, कल मेरे प्लान्स हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहे आप, लेकिन दोस्तों से मिलवा दूँ फिर चलते हैं। ये है हमारे मोटा जी, दिस इज मोटा जी, एंड आई एम मोहम्मद अंस, तो ये बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं पुराने। और काका जी, ये हमारे काका, इनको पहले भी मिलवाया था, और जो नए नए हैं अभी, मुजाफा भाई, मुजाफा भाई, ये मुजाफा भाई, मुजाफा भाई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको, इधर भी ईद मुबारक कहते हैं आपको, ईद मुबारक जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे भाग अली, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ऐसी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, पहले तुसी साडी गल सुन लो, ईद का तीसरा दिन है, पहले 2 दिन से गुजर गए, हमने ज्यादा कोई इतना ईद मनाई नहीं, एक तो गर्मी भी इतनी ज्यादा है कि बाहर निकला नहीं जाता, दूसरा जो है वो एक और में टेंशन होती है कि केसेस ज्यादा बढ़े हैं ना, जैसे बाहर ना जाया जाए तो हमें भी लग ना जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो स्टॉप ब्लेमिंग दिस ईयर, देखो लोग कहते हैं कि ये साल अच्छा नहीं गया, कोरोना वायरस आ गया, लोग घर बैठ गए, हजारों लोग की नौकरियां चली गई, ऊपर से एयरप्लेन क्रैश हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र हम घर बैठे हुए हैं, फिर भी अल्लाह का इतना शुक्र है, चलो घर में तो बैठे हुए हैं। और 150 सब्सक्राइबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता एक महीने के अंदर 50 बढ़ गए, आहिस्ता आहिस्ता और भी बढ़ेंगे, शुरू शुरू में मुश्किल होता है लेकिन आगे जा के आसान हो जाता है। छोटी छोटी हमारी खुशियाँ, हमें खुश रहने दें। आपका क्या जा रहा है? तो सही है, कल परसों तक मिलेंगे यार, बड़ी गर्मी है, ओए होए, उन्होंने नाल भी यार प्लान्स अली रजा के साथ, उनको मैंने कहा था और उन्होंने खुद भी कहा था, खुद उन्होंने कहा था कि चलो चलेंगे कहीं पर, आए नहीं, वो तो है ही ऐसे। सही है, तो दीजिए इजाज़त, आपसे मिलेंगे किसी और व्लॉग में, गर्मी बहुत है, नहाने जा रहा हूँ अब, बस बहुत चुकी है, इजाज़त दे दो, इजाज़त दे दो, अल्लाह ने की बान, अल्लाह हाफिज, इख्तिताम। ईद अच्छी न गुजरी तो क्या हुआ, अच्छे दिन वापस से लौट आएंगे, और मुझे पता है कि सभी लोग घर में बैठे होंगे और सभी की ईद ऐसी ही गुजरी होगी, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमें पता भी नहीं चलेगा
कि ये वबा हमारे दरमियान से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अच्छे दिन वापस से लौट आएंगे।